क्या 2019 में राहुल गांधी ही होंगे विपक्ष का पीएम उम्मीदवार? क्या कांग्रेस अध्यक्ष पीएम मोदी के एकमात्र विकल्प हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में अभी करीब 15 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन तमाम पार्टियां अभी से ही अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकजुटता की कोशिशें जारी है। विपक्षी दलों से भले ही किसी मुद्दे पर अभी आम राय नहीं बनी हो, लेकिन कांग्रेस ने संभावित गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही विपक्षी दलों की एकता की धुरी बनेगी और सिर्फ राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प होंगे। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी जी का विकल्प केवल और केवल राहुल जी हैं, कोई और नहीं हो सकता। कांग्रेस और देश के लोग राहुल जी को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में दो मॉडल है। एक मॉडल मोदी का है, जिसमें वो दिन में 6 बार कपड़े बदलते हैं, वो प्रशासन से ज्यादा ध्यान अपने कपड़ों पर देते हैं। जबकि दूसरा मॉडल राहुल गांधी का है, जो सादगी, सरलता और साफ गोई पर आधारित है। बकौल सुरजेवाला, राहुल गांधी राजनीति में अपनी बेबाकी, पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए मशहूर हुए हैं। वो कठोर फैसले लेने से भी कभी नहीं डरते और वो मोदी के एकमात्र विकल्प हैं। विपक्षी एकजुटता से जुड़े सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि शिवसेना, टीडीपी और बीजेडी अब धीरे धीरे एनडीए से अलग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विभिन्न दलों के बीच एकता की धुरी बनती जा रही है और यही एकता 2019 में बदलाव का आधार बनेगी। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक ट्रेलर हैं। उन्होंने न सिर्फ कर्नाटक में फिर से सरकार बनाने का दावा किया, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी पार्टी की जीत की उम्मीद जताई। हालांकि पीएम पद के लिए राहुल की उम्मीदवारी पर विरोधी दलों की सहमति बनती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।